काली लिनक्स में जितने भी एरर्स आते हैं उन तमाम एरर्स को एक साथ ख़त्म करें कुछ ही कमांड्स में। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे काली लिनक्स में जब एरर आता है, बार बार एरर आता है, जब हम उसको किक्स करते हैं लेकिन उसके बावजूद भी एरर आता है, उस एरर को हम ख़त्म कैसे करें। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं एरर क्या आता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ओपन करूँगा, ये वाला एरर आएगा, ठीक है। अब इसको ख़त्म करने के लिए मैं बैक जाऊँगा। ये तो ईजी है, ये तो सबको पता है कि भाई ये ख़त्म कैसे होना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कौन सा एरर दूसरा जो आता है। यहाँ से मैं NH क्लिक करूँगा, ये NH शॉर्टकट में आपको आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं, सॉरी गाइज, मैंने NB जो है टाइप कर लिया था। तो NH जो है ना शॉर्टकट, N का मतलब नेट और H का मतलब हॉन्टर, नेट हॉन्टर, ठीक है। अब यहाँ पर हम सिंपल इंटर करेंगे और इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह आएगा, काली लोकल होस्ट, और यहाँ पे हम किक्स करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं की ई एक्स करूँगा इंटर, और उसके बाद हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तो वेट करने के बाद हमें ये वाला कमांड देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ से मैं बैक जाऊँगा और मैं अपने जो है नेट हॉन्टर किक्स पे एप्लीकेशन में आ जाता हूँ और उसके मैं ओपन करूँगा। तो ये मेरे साथ, मेरे पास काली लिनक्स ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मसला ये होता है, मैं इसको यूज़ करते करते इसमें एरर आ जाता है। जैसे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, कोई भी चीज़ मैं इसको लेके मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें मैं यूज़ करते करते इसमें कुछ एरर आ जाते हैं, उसकी वजह से ये खुद ब खुद ऑटोमेटिकली बैक चला जाता है, ठीक है। अब ये मैं थोड़ा यूज़ करूँगा आप लोगों को बताने के लिए, तो एरर खुद आएगा और उसके बाद आप देखेंगे। ये देख सकते हैं मेरे पास एरर आ चुका है, ठीक है। मैंने थोड़ा सा यूज़ किया और उसके बावजूद इसमें एरर आ चुका है। अब इस एरर को ख़त्म कैसे करें, एक दो कमांड्स में, ठीक है, बहुत ही इजीली, ठीक है। अब टेंशन नहीं लेनी, बैक आना है थर्मक्स में और थर्मक्स एप्लीकेशन आप लोगों ने ओपन कर लेना है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो मैंने इंटर किए, यहाँ पे आप कुछ भी इंटर करके बस जस्ट इंटर करना है और यहाँ से फिर थर्मक्स को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों ने लिखना है APT अपडेट, ठीक है। अब यहाँ से जस्ट इंटर करना है और यहाँ से ये अपडेट होगा, ठीक है। थोड़ा सा ये लोडिंग करेगा, ठीक है, अपने हिसाब से ये लोडिंग करेगा। हमें थोड़ा सा वेट करें, हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ठीक है। जितना हमारा नेट स्पीड होगा उस हिसाब से ये भी जल्दी अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लेते हैं। तो ये मेरे पास अपडेट हो चुका है, अब यहाँ पर मैं अपग्रेड करूँगा, ठीक है। APT अपग्रेड, तो बहुत ही इजी है गाइस, टेंशन नहीं लेना, मैं आपको A to Z बताऊंगा। अगर फिर भी मन में कोई सवाल हो या कोई इशू आ रहा हो तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं इसी की वीडियो में, नीचे कमेंट्स में आप लोग मुझे बता सकते हैं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पे बने, ठीक है। इसी तरह आप लोगों ने APT अपडेट, APT अपग्रेड, ये दोनों कर लेना है। तो यहाँ से मेरा नेट थोड़ा सा स्लो चल रहा है, ठीक है, और ये अपडेट पे थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि जब इसमें ये वाला एरर आ जाता है ना काली लिनक्स को यूज़ करते हुए, तो फिर थोड़ा सा ये टाइम लेता है, ठीक है। अब यहाँ से वर्किंग हो रही है, हम थोड़ा सा वेट करेंगे। तब तक आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएँ ताकि इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों को डेली मिलती रहे, ठीक है। और अब यहाँ पे जो है हमारे पास हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे तो थोड़ा सा इशू आ रहा है, मैं आपको बता देता हूँ, कुछ चीज़ें जो हैं इंस्टॉल नहीं हुई, तो कोई मसला नहीं है, थोड़ा सा इशू आ रहा है। तो यहाँ पे फिर मैं सिंपल मैं नेट हॉन्टर लिख लेता हूँ, नेट हॉन्टर इंटर करूँगा और यहाँ से जैसे कि मैंने आपको शॉर्टकट में बताया था NH, ठीक है। अब यहाँ से मैं किक्स के बजाय LS करूँगा, ठीक है, याद रखना LS। तो मैंने LS इंटर किया, ठीक है। अब ये LS मैंने बार बार करना है, एक दो बार मतलब कुछ देर तक मैं इसको रिपीट करता जाऊंगा, ठीक है। LS इंटर, LS इंटर, और उसके बाद एंड में जाके मैंने किक्स कर लेना, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कर रहा हूँ इसमें रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है, डेस्कटॉप साइड डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड म्यूज़िक पिक्चर जितना भी है रिफ़्रेश हो जाएगा, ठीक है, अच्छे से। तो उसके बाद मैं एंड में किक करूँगा, तकरीबन आप लोगों ने 3-4 मरतबा LS इंटर करना है, उसके बाद आपने किक्स कर लेना है, ठीक है। जैसे कि मैंने किक्स किया, अब हम थोड़ा सा वेट करेंगे और वेट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने
जो है परमिशन दे दी। अब मैं उसको ज़रा चेक कर लेता हूँ एक बार, जहाँ से मैं एंटर करूँगा और आप देख सकते हैं जनाब, अब ना ही ये बैग जाएगा ना ही इसमें एरर आएगा, कोई चीज़ इसमें इशू कोई इशू इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।